हाथरस में मनीषा के साथ हुई दरिंदगी को लेकर हरियाणा में भी भारी रोष है, जिसके चलते अब पूरे हरियाणा से मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग जोरों से उठने लगी है, जिसके चलते नारायणगढ़ में भी विधायक शैली चौधरी के नेतृत्व में सामाजिक लोगों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और मनीषा के इंसाफ की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने PM मोदी और CM योगी का पुतला दहन किया। और दुख की बात हो ही नहीं सकती पूरे देश के लिए हम सब लोग। मैं तो यही कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और सभी से कि जो ये घटनाएं आए दिन हमारी बेटियों के साथ ये जुल्म किए जाते हैं, उनके साथ दरिंदगी करने के बाद उनको मार दिया जाता है, इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती है। जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री को इनको पकड़वा करके इनको सख्त सख्त सजा दी जाए, इनको चौराहे पे ले जाकर फांसी दी जाए और इसमें देर ना की जाए ताकि और लोगों को भी ये सबक मिल सके और आगे से ये ऐसी घटनाएँ बंद हो सके। अभी 4 दिन पहले वो घटना हुई है, कल फिर हुई है, कब तक हमारी बेटियों की ऐसी बलि दी। बता दें कि UP के हाथरस में मनीषा के साथ दरिंदगी की गई थी, वहीं अब पूरे देश में मनीषा को इंसाफ देने की मांग जोरों से उठने लगी है, जिसके चलते हरियाणा में भी ये मांग तेज हो गई है, जिसके चलते सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोग रोष प्रदर्शन कर सरकार के नाम ज्ञापन सौंप कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नारायणगढ़ से सरिता धीमान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।